रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास करने की कवायद में लगी भारतीय रेल पंजाब के जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन को भी पुनर्विकसित कर रही है। स्टेशन का पुनर्विकास कुल 95.92 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा, जहां सभी तरह की विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। स्टेशन पर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस शानदार एयर कॉन्कोर्स होगा। यहां वेटिंग एरिया, वेटिंग लाउंज, रिटायरिंग रूम और फूड कोर्ट जैसी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। यहां पर्याप्त मात्रा में लिफ्ट एस्केलेटर की सुविधा होगी। वहीं पूरा स्टेशन दिव्यांग फ्रेंडली होगा। स्टेशन पर अलग अलग आगमन व प्रस्थान की व्यवस्था होगी। वहीं यहां पार्किंग की भी सुविधा उपलब्ध होगी। पुनर्विकसित स्टेशन को ग्रीन बिल्डिंग के तौर पर डिजाइन किया जाएगा और इसमें सौर ऊर्जा, जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन की व्यवस्था होगी। वर्तमान में स्टेशन के पुनर्विकास का कार्य तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। स्टेशन बिल्डिंग की नींव का काम पूरा हो गया है। पहली मंजिल तक के लिंटर और इससे आगे का कार्य प्रगति पर है। जालंधर में स्थित आर्मी बेस होने के कारण इस स्टेशन का महत्व और भी बढ़ जाता है। इसका पुनर्विकास होने से स्टेशन पर यात्रियों और आर्मी कर्मियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं तो मिलेंगी ही, साथ ही एक क्षेत्र के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।